सूरह अल-आराफ की आयत नंबर 31 है, खाओ और पियो हद से तजावुज ना करो। बंदे के साथ मसाइल ही तब पेश आते हैं जब वो हद से तजावुज कर जाता है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो नेमतें जो बहुत से लोगों के लिए काबिले रश्क हैं, एक सेहत और दूसरे फरागत। तो जिसको सेहत मिल गई, आपने उसके बारे में फरमाया जिसका बदन सेहतमंद हो और उसके पास फरागत हो और आए दिन की रोजी हो, तो गोया उसे सारी दुनिया मिल गई। आपने पानी लेने का तरीका भी मुकर्रर किया। पानी को भी जब हम इस तरह से पीते हैं जिसकी वजह से हमारी सेहत मुतासिर होती है, तो आपने उससे रोका है। बर्तन में सांस लेने से आपने रोका, आपने बर्तन में फूंक मारने से रोका है। आपने फरमाया पानी एक सांस में मत पियो जिस तरह ऊंट पीता है, बल्कि दो या तीन सांस में पियो। बिस्मिल्लाह से पीना शुरू करो और मुंह से हटाते वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करो। इसी तरह आपने फरमाया तुम में से कोई खड़े होकर पानी ना पिए, भूल कर पीने वाला इससे अलग है। आपका इरशाद है खाने से पहले और उसके बाद हाथ धोना खाने में बरकत का मूजिब है। पानी जिंदगी और गिज़ा का बहुत बुनियादी जरिया है। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सूरह अल-अंबिया की आयत नंबर 30 है, हमने पानी से हर जिंदा चीज को बनाया। तो पानी का दुरुस्त इस्तेमाल इंसान को कितना ज्यादा नफा दे सकता है। टेक लगाकर मुंह के बल लेट कर खाने से आप मना करते थे। खाने और पानी के बर्तन को ढककर रखने का हुक्म देते थे। खाने के बाद बर्तन को उंगलियों से और उंगलियां मुंह से साफ कर लेने का हुक्म देते थे। रसूलुल्लाह पानी पीते वक्त तीन मर्तबा सांस लेते थे और फरमाते थे ये तरीका सैराबी, शिफा, नफा और सहूलत और लज्जत से हजम होने में सबसे बेहतर है। अल्लाह ताला हमें इसकी